हेलो फ्रेंड, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ईजीसी नेट क्रेकर में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति शिलांग में पीजीटी टीजीटी मिसलिनियस कैटेगरी टीचर्स फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के विभिन्न पदों पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह विभिन्न पद अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह सत्र 2021-22 के लिए है। इन सभी पदों के लिए जिसमें पीजीटी का पद है उसमें 42,250 पर मंथ सैलरी है और टीजीटी पद के लिए 40,625 पद है। इसमें मिसलिनियस कैटेगरी भी शामिल है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट पे आप जाकर कर सकते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट पे जहाँ से हम ऑनलाइन आवेदन और क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए या पद से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए सबसे पहले क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में NBS शिलांग लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं जिसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में जानकारी, एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानकारी, क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी, सारे जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे एक मोर सर्कुलर्स करके दिखाई दे रहा है। तो इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आते हैं तो जो हमारा पद है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पद से संबंधित डिटेल जानकारी आपको आगे मिलेगी। यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक को आप देख रहे हैं। तो इस लिंक, जो ये लिंक है, इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला पेज हमारा ओपन होता है। इसमें कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइन दिया है। यहाँ पे हम आते हैं तो यदि आप टीचर्स पीजीटी टीजीटी या लाइब्रेरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में क्वालिफिकेशन संबंधित डिटेल इस लिंक पे क्लिक करके ले सकते हैं। इसके क्वालिफिकेशन संबंधित डिटेल वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके बाद से जो फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का पद है उससे संबंधित जानकारी लेना है तो ये 16 नंबर पे जो लिंक है इस पे क्लिक करके ले सकते हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें डॉक्यूमेंट आपके पास डिप्लोमा, यूजी, पीजी, बीएड जो भी है उसके पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो अंडरटेकिंग है तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस बीच में आप क्लिक करेंगे और अप्लाई टू, प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यदि आप पहले से लॉगिन है, अकाउंट क्रिएट किए हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यदि फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्लिक हेयर करके यहाँ पे लिंक दे रहा है, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, जीमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैप्चा भरनी है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लिंक है आई एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और डिटेल आपके हो जाएगी। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने के बारे में डिटेल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको फिल करनी है। हम आते हैं क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए। तो इसके लिए क्या कर रहा है कि हम एडवर्टाइजमेंट है उसको हम डाउनलोड करते हैं, तभी इस के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है तो एक एडवर्टाइजमेंट में यहाँ से 15 नंबर पे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ जो लाइब्रेरी का पद है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे मैं पहले से डाउनलोड किया हूँ तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम डाउनलोड कर रहे हैं तो ये हमारा पेज डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर गाइडलाइन करके दिया है जो टीचर के लिए। इसमें जो पद है वो पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसकी हम बात करते हैं और डिजाइबर एक्सपीरियंस जो है इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बीट
एटलीस्ट 55% मार्क्स या इक्विलेंट रिलेवेंट सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, या बीएड डिग्री या इंग्लिश, और जो है नॉलेज जो है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का नॉलेज मांगी है पूरी वैकेंसी में, और डिजायबल में टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी या रिकॉग्नाइज स्कूल है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इज द रेसिडेंटल स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इसमें। अगला जो हमारा पद है वो टीजीटी के लिए है, जो 4 साल इंटीग्रेटेड कोर्स यानी डिग्री आप किए हैं एनसीईआरटी या एनसीटीई से 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या आपके पास बैचलर डिग्री है तो एलिजिबल है। डिजाइबर में आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। तो इसके अलावा इसको हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, अगला पद हम देखते हैं। तो टीजीटी हिंदी का पद है, टीजीटी इंग्लिश का पद है, टीजीटी मैथ का पद है, जो डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। टीजीटी साइंस का पद है, बटनी जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री है इसमें। टीजीटी सोशल स्टडी का पद है। इसके अलावा जो हमारा पद है टीजीटी थर्ड लैंग्वेज का पद है, आर्ट का पद है जिसमें डिग्री इन फाइन आर्ट मांग रहा है। डिजायबल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल का पद है जिसमें बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन से संबंधित मांग रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट ने यूनिवर्सिटी का मांग रहा है। म्यूजिक टीचर का पद है जिसमें बैचलर डिग्री इन म्यूजिक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मांग रहा है। लेकिन जितने भी वैकेंसी है सारे वैकेंसी में जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का आपको ज्ञान होनी चाहिए, यानी अच्छा नॉलेज होनी चाहिए। अगला जो पद है लाइब्रेरियन का है, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, ये सभी मांग रहा है। डिजाइबर में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंटल स्कूल, टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी ये रिकॉग्नाइज स्कूल, योर नॉलेज ऑफ रीजनल नॉलेज, नॉलेज ऑफ रीजनल नॉलेज और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अपर एज लिमिट में 50 साल है।